केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ डेमोक्रेटिक भारतीय समाजवाद पार्टी द्वारा 28 जनवरी को अधिकार रैली निकाली जाएगी। ये जलंधर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के सामने दोपहर 12 बजे प्रारंभ होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डेमोक्रेटिक भारतीय समाजवाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान विजय हंस ने केंद्र और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 5 सालों में जनता से किया हुआ एक भी वादा पूरा नहीं किया, उल्टा देश के लोगों को गुमराह किया है। इसके साथ ही उन्होंने डेमोक्रेटिक भारतीय समाजवाद पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं और अन्य लोगों से अपील की कि वे अपने साथियों के साथ पहुंचकर केंद्र में पंजाब सरकार का विरोध करें और इस रैली में शामिल हों। मैं विजय हंस, डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान, पत्रकारों नाल आज जलंधर विखे गल कर रहा हाँ। 28 जनवरी नू डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी जलंधर दे विच केंद्र सरकार अते पंजाब सरकार दियां लोक मारू नीतियां दे खिलाफ बहुत वड्डा इकट्ठ करन जा रही आ, और डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी केंद्र सरकार दी जिहड़ी लोक मारू नीतियां जिन्हां दे विच भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और होर बहुत सारी लोक मारू नीतियां है, उहदे खिलाफ अपना एक बहुत वड्डा धरना मुजाहरा सरकार दे खिलाफ रैली कर रही है। और डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी दा जलंधर दे विच एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी दा इजलास भी हो रहा है 29-30 जनवरी नू, और डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी जो जलंधर तो बनी सी और हिंदुस्तान दे भारत दे 22 राज्यां दे विच ये पार्टी अपना फैलाव कर चुकी है। और इस डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी दा 13 राजनीतिक पार्टियां नाल समझौता हो चुका है, और लखनऊ विखे 3 फरवरी दी एक मीटिंग हो रही आ जिहदे विच 55 होर पार्टियां नाल डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी गठबंधन करेगी। और जिहड़ी 28-29-30 नूं पार्टी दी राष्ट्रीय अधिवेशन होवेगा, उहदे विच पार्टी देश दे विच किस तरीके नाल चोणां लड़ेगी इहदी भी अगली घोषणा करेगी। और जिहड़ा 28 जनवरी नूं असी बहुत वड्डा प्रदर्शन सरकार दे खिलाफ़ कर रहे हां, उहदे लई असी राष्ट्रपति नूं, महामहिम नूं एक मंग पत्र भी भेजांगे केंद्र सरकार दे खिलाफ़ और पंजाब सरकार दे भी खिलाफ़ भेजांगे। और ये रैली जिहड़ी जलंधर दी आ अज तक दे जलंधर दे इतिहास च सब तो वड्डी रैली साबित होवेगी।